हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने हाउ टू मेक अ दिया इन कोरल ड्रॉ बनाया था, वो बहुत लोगों ने पसंद किया है। आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं अब उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके का दिया आप कैसे बना सकते हैं, जो कि आप बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में यूज कर सकते हैं। डिटेल वीडियो होगी, आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से इस तरीके का दिया आप बना सकते हैं। बेसिकली दिया बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग करनी होगी एक सर्कल से। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। सर्कल लेकर इस तरीके की दिया बनाने के लिए आपको एक सर्कल लेना होगा बड़ा सा, और एक इलेक्ट्रिकल जैसे एक सर्कल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें मैंने यहाँ पे सर्कल टूल का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज ये यहाँ से बाहर जाए, ठीक है। तो हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे और ई प्रेस करेंगे, इससे ये मिडल में हो जाएगा और सेंटर में हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करूंगा ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टू, इसे इस एरिया को मैं डिलीट कर दूंगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ सेमी सर्कल बन के रह गया, ये एक शेप नहीं है। तो इसको शेप बनाने के लिए यहाँ पे इन दोनों नॉट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको फिल कर दूंगा। ठीक है, जॉइंट टू नोड्स, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन दोनों नोड्स को ये जोड़ देता है। अब जैसा देख सकते हैं हमारे पास एक हाफ सर्कल है और एक इलेक्ट्रिकल है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं इसको कलर करूंगा, कलर के लिए हम लेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल। इससे मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, मेरा बेस कलर होगा, आप कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रीमियम कलर, कुछ कलर पैलेट मैंने यहाँ पे बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर पैलेट। और इस तरीके के कलर्स आप किसी भी इमेज से ले सकते हैं, जो कि आपको लगे बहुत अच्छी इमेज है, वहां से आप कलर पिक करिए और उस तरीके के स्क्वायर्स में फिल कर लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए ऐसे आपने, मैंने कलर पिकल टू दिया यहाँ पर और यहाँ सेलेक्ट करके इसे फिल कर दिया। इस तरीके से किसी भी इमेज से आप कलर ले सकते हैं, और उसके बाद उसको ड्रैग करके जब आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे कलर यहाँ पे बनाए और यहाँ पे मैंने ये सारे कलर ऐड कर दिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये मैंने ग्रेडियंट इसमें कर दिया, बट मैं यहाँ पे इसका सर्कल ग्रेडियंट यूज करूंगा। यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम ये सर्कल को कलर करेंगे यहाँ पर। तो उस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया है और फिर कर दिया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आउटलाइंस ना रखें। फिलहाल हमें इस शेप की जरूरत है, मैं इस शेप को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको अंदर से खाली कर देता हूँ, ओके। मैंने इसको सेंटर से ब्लैंक कर दिया, इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके, और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता तो ये आउटलाइन पे आउटलाइन भी नन हो जाती, ठीक है। तो आउटलाइन को हमको कलर कर लेना है तरीके से, क्योंकि मैं आउटलाइन से यहाँ पे पैटर्न बनाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलिए पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए शेप का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ही है, और एक हमें यहाँ पे एक सर्कुलर और हल्का सा कर्वी फिगर मिल जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करूंगा थोड़ा सा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़िए, राइट ले जाकर कहीं भी छोड़ना हो राइट क्लिक कर दीजिए, वो वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है। या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाइए और वहाँ पे स्पेस बार क्लिक कर दीजिए, वो वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया है, मैं यहाँ पे एक और बनाने जा रहा हूँ कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस तरीके, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और बनाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा दो
आउटलाइंस और बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। इन दोनों बीच के गैप का मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं फिल यूज़ करूँगा स्मार्ट फिल टूल और इन दोनों गैप को फिल कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में मैंने गैप बनाया पतला वाला लाइन, इसको मैंने फिल कर लिया। अब मुझे क्योंकि ये वाला यहाँ पर कट कर रहा है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गए। अब देखिए हमारी यहाँ पर लाइन क्लियर है, तो एक फिल मैं यहाँ करूँगा। ओके, और इस लाइन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा सोचकर ताकि एक लाइन में यहाँ भी बना सकूँ, और मैं अब इस लाइन को फिल कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये शेप धीरे धीरे रेडी हो रहा है, और एक ये हमारा तो है, इसमें थोड़ा सा थिक बना लेता हूँ, और मैंने फिर सेम टूल का यूज किया और यहाँ पर फिल कर दिया। इन सबको आप डिलीट करते चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा। ये मैंने कुछ बॉर्डर डिजाइन के लिए बना लिया। अब हमको करना है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग इसका सही कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा डीप है ठीक है। फिलहाल अभी हम इस पे गोल्डन कलर देने वाला है, तो गोल्डन कलर देने के लिए हम डायरेक्ट इस तरीके से कलर नहीं देंगे, गोल्डन पैलेट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ग्रेडिएंट फिल टूल का यूज करके इस तरीके का इमेज यूज करेंगे। मैं नेचुरली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक कलर ग्रेडिएंट बना सकते हैं गोल्डन कलर का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल बहुत इजी टेक्निक है, आपको ऑनलाइन जाना है, सर्च करना है गोल्डन पैलेट। गोल्डन पैलेट में इस तरीके का अगर पैलेट आपको दिखे, या फिर कोई इसमें चार पांच कलर ऑप्शन हों, ठीक है, इस तरीके का आप उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको ये यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इंटरैक्टिव फिल टूल यूज करिए, जिसको ग्रेडियंट टूल भी कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो सॉरी सेलेक्टेड नहीं था, हम यहीं तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ पे आई ड्रॉपर की वजह से मदद से यहाँ पे इन सबको कॉपी कर लेना है, इन कलर्स को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ डबल क्लिक करेंगे एक कलर और आ जाएगा ऐड करने के लिए, फिर मुझे ऐड करना है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर एक क्लिक और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट क्लिक, और फिर जैसे कि देख रहे हैं आप मैं यहाँ पे, और हमारा लास्ट कलर है, तो एक बार फिर से हमें सेलेक्ट करना है, और हमारा ये कलर सेलेक्ट हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको हाफ में लिया है, हाफ में क्यों लिया, हाफ में तो बिल्कुल इधर का नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा यहाँ पर रिपीट एंड मिरर। इससे क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में जो भी ग्रेडियंट है वही राइट साइड में रिपीट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप चाहे तो इसके कलर को और लाइट कर सकते हैं ताकि ये और ब्राइट हो जाए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा गोल्डन ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सब में इस चीज सेम चीज को कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट टूल को लेंगे, ठीक है, इसको जो कलर भरना है इसमें अभी नहीं हुआ उसको सेलेक्ट करेंगे सबको, ठीक है, और अब जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी फिल। अभी पूछेगा कौन कहाँ से, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इसने एक बार में सबको फिल कर दिया, शॉर्टकट था बहुत अच्छा, आसानी से हो गया आपको। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें ग्रेडियंट यूज करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए एक इफेक्ट, डेप्थ इफेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पहले तो हमें एक अंदर का इफेक्ट बनाना है, एक बॉर्डर भी बनाना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, ग्रेडियंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देखिए आप इस तरीके से सिंपली। अब हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के लिए मैं इसको ऐसे ट्रैक करूंगा सेलेक्ट करके और राइट क्लिक कर दूंगा, बहुत आसान शॉर्टकट है, क्लिक करना है यहाँ,
अब आप जैसे जैसे आपको ग्रेडियंट्स चाहिए वैसे आप कलर्स पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाना है हल्का सा डेप्थ, इसके लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर ले लूँगा ग्रेडियंट में और इसको यहाँ करके आप देखिए कि इसकी प्लेसमेंट से कितना अच्छा डेप्थ आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डेप्थ यहाँ पर है, बट अगर मैं इसको थोड़ा नीचे प्लेस कर दूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक गहराई की फीलिंग आ रही है, आ रही है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट बहुत अच्छा टूल है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फील, नेचुरल आपको इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, हमारा बॉर्डर भी रेडी हो चुका है। बॉर्डर पे हमने एक चीज नहीं की है वो है रिपीटर मिरर। इससे क्या होगा कि इधर में भी वो इफेक्ट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए, अभी नहीं उतना भी नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा कर लूंगा सेट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे बनाना है, इसमें यहाँ पे जो ये मैंने चीजें बनाई हैं कुछ पैटर्न्स, इनको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। कलर में डिफरेंस आ रहा है कोई बात नहीं, वही कलर बेटर था। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला आर्ट बनाया है। कैसे बनाया, सिंपल तरीका है, सर्कल्स का यूज करूंगा मैं। मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर मैं लूंगा इसको, मैं यहाँ सेंटर में लाइन कर दूंगा ताकि सही लगे। फिर मैं लूंगा ये नाइफ टूल और इन सारी पोर्शंस को मैं कट कर दूँगा। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कर दूंगा वेल्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा और इसको करूंगा मैं ये वाला कलर, थोड़ा सा कोई भी कलर कर देता। ओके, अब हम इसको करेंगे डुप्लीकेट थोड़ी डिस्टेंस पे। कंट्रोल डी का यूज कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी का मैंने यूज किया। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे ग्रुप। अब ये ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट करनी है यहाँ पे एक लाइन। उसके लिए हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया और इसको मैंने कर दिया आउटलाइन। अब बीच से हटा दिया कलर, अब क्योंकि बीच से फिर हटा दिया तो उसको कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ अलग, क्योंकि अलग ही कर दिया तो अब हट जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने इसको ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया तो मुझे साइज चाहिए और इसको मैं फिलहाल अपने शेप में कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा वाइट कलर कर लेंगे, विजिबल हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा जहाँ मुझे चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और इसको
मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ तक ले जाकर मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अभी हो गया ब्लेंड। इसकी मैं क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लेंड मोड में पाथ प्रॉपर्टीज, क्या कहेगा न्यू पाथ, आपको न्यू पाथ पर जाकर सेलेक्ट करके क्लिक कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इस पाथ को डिलीट करना होगा। ठीक है, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट हमारे ब्रेक हो गया और हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर सकते हैं डिलीट, सॉरी इसको कर सकते हैं रूट। करने के बाद हम इसको सिंपली इसके अंदर प्लेस इन साइड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको आप चाहो तो आउटलाइन इसकी बढ़ा दो, हाउ नाइस, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब जैसा हम चाहेंगे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम सिंपली इस चीज का यूज कर सकते हैं बार बार हर जगह। अगर मुझे सर्कल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक वाइट सर्कल चाहिए, वाइट या इस कलर का सर्कल, तो मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस कर, क्योंकि शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे ये स्ट्रेट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लेंड, और ब्लेंड पे जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया, फिर मैंने सेलेक्ट किया न्यू पाथ और अब आके मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये उसके ऊपर चला गया है। हम यहाँ पर करेंगे ब्रेक ब्लेंड अपार्ट और हम इसको नीचे की तरफ, हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये नीचे की तरफ आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यूज करना है। नाउ नेक्स्ट मैंने बनाया था एक और पैटर्न, उसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर फिर से सर्कल का, याद नहीं करने कुछ करता। अब जैसे ये हमारा एक सिंपल सा शेप बन गया, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा और एज यूजुअली मैं इसके सेंटर को प्लेस करूंगा यहाँ नीचे। सेंटर को नीचे प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा, सेम इसको मैं दूसरी साइड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और शेप बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा शेप रेडी होता है। इस शेप को मैं आपको कर दूंगा वेल्ड तरीके से, मैं करूंगा थोड़ा छोटा। आई होप आप मेरे साथ इस चीज इस प्रोसेस को समझ पा रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। मैं इसको करूंगा यहाँ से आकर यहाँ तक भी मुझे चाहिए, और फिर मैं इसको सेम तरीके से। अब हम यहाँ पर सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं ब्लेंड टूल का, और मैं यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट को कम कर दूंगा कितना मुझे चाहिए, ये सेम ओके, और फिर मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा पाथ और मैं इसको जाकर क्लिक कर, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट हो गया तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट। अब इसको हम करेंगे सेलेक्ट और ऊपर ऊपर, दैट्स इट। अब क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे चाहिए थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा फिर से इंटरेक्टिव फिल टूल का और यहाँ पे कॉपी फिल एंड देयर वी गो। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ये इफेक्ट आ गया है।
क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये अच्छा लग रहा है, नाइस। अब हमारा क्योंकि दिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे आप जो चाहो कर सकते हो, और आप कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हो और चीज़ें ऐड कर दो, सब आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम यहाँ बनाने वाले हैं दिया। तो दिया बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक सर्कल, आप इस तरीके का एक सर्कल ले लीजिए, फिर यहाँ पर हम इस तरीके का एक जनरेटिव फिल या फिर जनरेटिव फिल फोटोशॉप का फीचर है, सॉरी स्मार्ट फिल का मैं यूज करूँगा, और यहाँ पर मैंने इस पर एक लॉ बना ली। लॉ तो हमारी बहुत सिंपल सी है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं फायदे का बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा इसको थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा सा नीचे उसको डिलीट। अभी क्या होगा हमारा यहाँ पर हल्का सा इफेक्ट ऐसा बिल्ड हो गया। ठीक है, सही लग रहा है, सही तो लग ही रहा होगा, अभी हमारा अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पर देंगे इसको जनरेटिव फिल, फिल देने के लिए मैं पर ऊपर ऑरेंज, बीच में कर दूंगा येलो, और यहाँ हल्का कर दूंगा ये पीच कलर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल, अब देख के बताओ कैसा लग रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अब देख के बताओ। अब मैं इसको बता भी दूँ, अब देख के बताओ कैसा लग रहा है। अभी भी देखो, अभी मत बताना, अभी देखो, अब देख के बताओ कैसा लग रहा है। लग रहा है दिया कि नहीं लग रहा है, लग रही लॉ। देखो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना दिया, चलो यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। एक्चुअली ये जो फील है ना ये सही है, यहाँ पे ऐड करूँगा मैं ये लो, और यहाँ पे ऐड करूँगा ना Now it's good. Now it's बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे वाइट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द फ्लेम वाइट ही होती है ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या मतलब होती है वाइट। ठीक है, Now it's looking good. अब हमारे फ्लेम हो गया, अब हमें बनाना है इसकी बाती, यानी कि जो थ्रेड होता है। तो थ्रेड के लिए हम सिंपल यहाँ पर एक तरीके का बना सकते हैं कोई ऐसा, ये वाला सेलेक्टेड था तो ये बन गया। अब हमें सेलेक्ट करना है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी सेलेक्ट करने के बाद या फिर मैं यहाँ पर आऊँगा आर्टिस्टिक मीडिया में, हमारा ये सिंपल सा मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट करके इसको मैंने कर दिया ब्लैक। इसकी थोड़ी सी कम कर दी मैंने, क्या कर दिया थोड़ा सा नीचे, दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आऊँगा, मैंने बहुत सारी और वीडियोज बनाई हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ। मैं रेगुलर वीडियोज नहीं बना पाता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं रेगुलर कॉन्टेंट लेकर आऊँ। तो हमने नेक्स्ट लेवल कर दिया है, पिछली बार जो बनाया था उससे ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। आप इसमें और नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, आप इसमें और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो। अब हमारा दिया हो चुका है रेडी, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ग्लो कैसे आया है मैं बता रहा हूँ। ग्लो को लाने के लिए आप कभी भी पहले बोलो हमारे दिया हो चुका है रेडी, क्योंकि दिया ही रेडी हो चुका है, तो हमें क्या करना है आप यहाँ पर ग्लो देना है। तो ग्लो के लिए मैं यहाँ यूज करूँगा सर्कल, सर्कल को मैं करूँगा यहाँ पर
ग्रेडियंट फिल बीच में ये लो किनारे को, सॉरी बीच में ये लो और किनारे वाइट, तो कर लेंगे हम सेंटर। ओके ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस दिए करना है, सॉरी सर्कल करना है ट्रांसपेरेंट, वो भी कॉर्नर से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कॉर्नर से नहीं होगा, ठीक है, ये तो सेंटर से हो जा रहा। क्या करना है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना इसको आपको सेंटर वाला जीरो कर दो, आउटसाइड वाला 100 कर दो, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, बड़ा करो यहाँ पर, आप ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, जब आप ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लेंड मोड, यहाँ मोड में यहाँ आकर आप सिलेक्ट कर दो, आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ लेके जाओगे वहाँ आपको ब्लू दिखेगा। अभी ब्लू मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक ब्लू मैं रख लेता हूँ, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।